गाइस हमसे पहले इनका नंबर है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का। ये लोग देखो यहाँ पे कर रहे हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे को बहुत सेफ्टी के साथ है, ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। और बट आपको क्या करना होगा, आपको जो हमारे जो गाइड होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाता है। अब इससे पहले इनका फेल हो गया था, फिर मैंने देख के उसके बाद मैंने वीडियो बनाया कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बना के रखना है जो आपके साथ होंगे, उस कोऑर्डिनेशन बना लें। अभी मैं दिखाता हूँ ये स्टार्ट होगा वापस से, ये वापस से स्टार्ट करें, अभी कैमरा रेडी कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करना है और आओ तो करना ज़रूर, बिकॉज जो एक्सपीरियंस होगा ना वो ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आप किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लोगे आपको पता ही नहीं चलने वाला। जैसे अभी इति को मैंने बोला, इति कह रही मैं नहीं करूँगी मेरे को डर लगता है, मैंने बोला एक्सपीरियंस करने में और वैसे देखने में बहुत अलग, अभी मना कर रही। क्यों डर लगता है? किलकारी तो करेगी, किलकारी कर रहे हो ना आप? हाँ ये ब्रेव है। और ये बाकी सारी चीज़ें करेगी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ना, गलत बात हो जाती है ना दोस्तों। चलो ऑलमोस्ट वो रेडी हैं, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे जाने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और वो वहाँ तक जाने वाला है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, मज़ा आएगा। बट मेरा मन है करने का तो मैं ज़रूर करूँगा और ट्राई करूँगा, इससे ज़्यादा बड़ा हो कहीं पे ज़रूर ट्राई करूँगा। तो ऑलमोस्ट ये लोग रेडी हो चुके हैं। अभी कैसा लगने वाला है, आपकी टर्न आने वाली है? सो फीलिंग गुड, अभी वो लोग आ रहे हैं और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ। और उनका कैमरा है, उस कैमरे में जो फीलिंग रही, जो ऊपर से जो नज़ारा रहेगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाला हूँ। और एक्सपीरियंस तो मैं उसके बाद ही बताऊंगा आपको, अभी एक्सपीरियंस नहीं बताने वाला बिकॉज मुझे है ही नहीं। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम है गाइस। आपको क्या करना है, अभी मैं करते में जा रहा हूँ, मैं आपको बाकी एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप लोग भी ज़रूर करना, मज़ा आएगा। जी करने से पहले फॉर्म फिल किया जाता है, क्या कर रहे हो? मैं अपना नाम लिखता हूँ उसमें और उसमें बताना है कि आप लोग कहाँ से आए हो, अपना नाम बताना है, कहाँ से आप क्या करना है और आप किसके साथ आए हो, ये सब बताना होता है। सारी डिटेल्स में फिल करने के बाद ही आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और मैं फिल कर देता हूँ। हाँ भैया, और ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है भैया, ऐसा बोल रहे हैं तो भैया। और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है करते हो? पूरा बता के इसके आपके अपने अनलॉग है इसके करते हैं। तो ये सेफ होता है? 99% तो सेफ ही है, हमारी तरफ से हर रिकमेंड टेस्ट किया होता है, बट फिर भी हम अंदर देखते हैं। ये फाइनली साइन हो गए हैं, इसमें गार्जियंस पेरेंट्स के या फिर आपके साथ जो आए हुए हों उनके साइन कराने होते हैं। सो अभी मेरी टर्न आने वाली है और मैं जाने वाला हूँ राइड पे। अभी बता दें इसको आराम से, मैं ज़्यादा पास नहीं जा पाऊँगी। तो गाइस फाइनली मेरे टर्न आ चुकी है, कैप उतारना था क्या? कैसा लग रहा है? नीचे लैंड कर चुका है, देखो उसने वहाँ भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। मैं जा रही हूँ उसके पास नीचे, सो
हम चलते हैं नीचे। मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे को ऊंचाई से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं बाकी जो राइड्स हैं और वो करूँगी, बट ये मैं नहीं करूँगी, मुझे डर लगता है। उसने मुझे बहुत बोला कर लो यहाँ पर आइए वो, बट मैं कुछ और करूँगी। तो ये है जिपलाइन, जिपलाइन है ना? हाँ, ये जिपलाइन है और ये राइड भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो नहीं करने वाला बिकॉज अभी के लिए मैं नहीं करूँगा, मैं इसको अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। तो वैसे इस तरीके से और जो अभी सीज़न के टाइम पे जो इनका राइड होता है वो होता है 700 रुपये बता रहे भैया, ये 700 रुपये का राइड होता है सीज़न के टाइम पे। ऑफ सीज़न सारा शायद थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, ऑफ सीज़न में 500 रुपये का हो जाता है। और मैंने एक बाहर किसी पूछा, उन्होंने मुझे 300 बताया था, तो शायद मैं हो सकता हूँ गलत होऊंगा। बट ये जिपलाइन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप लोग करना, बट मुझे नहीं लगता है इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, वो छोटा है और सिर्फ ये सिर्फ लेक के ऊपर से जा रहा है, तो मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। गाइस अभी हॉर्स राइडिंग थी छोटी सी, मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता, अगर मुझे चलाना आता ना तो मैं अकेला भगाता और मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ। हाँ, हम दोनों ने एक्चुअली, सो एक्चुअली सबने ली है हॉर्स राइडिंग, सबने ली है, बट फोटेज हमारे पास हमारे ये तो गलत बात है, सॉरी। सो हम क्या करेंगे इसमें आगे, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर थोड़ा सा सीख के आऊँगा और प्रॉपर इस वाले ग्राउंड में प्रॉपर हीरो की तरह घोड़ा दौड़ाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट टाइम पक्का। लेकिन अभी मुझे आता नहीं है, इधर उधर भाग जाता, मेरे पैर वैर टूट जाते, तो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। सो अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ 14,000 साल पहले का पुराना मंदिर है कोई, अभी उस मंदिर में जा रहे हैं। इतनी चलो आप मंदिर चल रहे, तो उस मंदिर में जा रहे हैं अभी, मंदिर घूमेंगे और उसके बाद फिर हम और भी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं घूम सकते हैं। यहाँ पे गन शूटिंग है, उसके बाद ये वोटिंग है, वोटिंग करने का मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, इति का भी मन भी नहीं था, इति मन था तुम्हारा, इति का वोटिंग करने का भी मन नहीं था। और इति ने एक्चुअली कुछ किया नहीं, इसने इन्जॉय नहीं किया, पैराग्लाइडिंग नहीं की, सिर्फ हॉर्स राइडिंग की एक छोटी सी, और मैं तो बोल रहा हूँ इसको बट ये नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे अभी, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देखते हैं, क्योंकि इति है ना ये बच्ची है छोटी, ये जो है इतनी बड़ी होगी, अकल बच्चों जैसा है, तो इसको छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखते हैं, कुछ मिलेगा तो इसको ज़रूर कराऊंगा या हम साथ में कर लेंगे। और चलो अभी आगे चलते हैं, मंदिर घूम के आते हैं चलो। सो इति गोस्वामी कैसा लगा आपको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे सबको? हाँ, मतलब बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था। और मैं तो कर ली थी, घूमी कुछ नहीं है अभी, ये था वो था। और चल कैसे रही है, देख लो ये हाथ छोड़ी नहीं रही, हाथ छोड़ी नहीं रही है, कह रही है मेरे को ये तो कंधे पे लेके जाओ या तो खींच के लेके जाओ, तो अभी खींच के ले जाना पड़ रहा है। वैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये वाली चढ़ाई चढ़ी है हमने, तो इसको लाना पड़ेगा। सो गाइज ये है कैंपिंग, यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैंपिंग होती है और इसका प्राइस जो है वो मैं आप सबको बता दूंगा। अभी यहाँ पे स्कूल ट्रिप आया हुआ है, मैं रहने वाला था बट खाली नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं था तो शायद मैं नहीं रहता, बट मूड बन गया था मेरा क्योंकि हमारी ट्रेन वैसे भी कल की है, नेक्स्ट डे की ट्रेन है। तो ये जो कैंपिंग इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ है और अलग अलग कैंप हैं, टीचर्स के अलग हैं, स्टूडेंट्स के अलग हैं। सो आप लोग यहाँ पर आके नाइट स्टे कर सकते हो, वन नाइट का कुछ 3,000 चार्जेस हैं एंड इसमें सारे एक्टिविटीज़ होंगी, इसमें दो बेड मिलेंगे शायद जैसे मैंने अभी पूछा है। और कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब यहाँ पे आपका
ट्रैकिंग भी है इसमें इंक्लूड, और ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आके बिल्कुल रह सकते हैं। मेरा मन तो बहुत था बट लेकिन आज का ये ऑक्यूपाइड है पूरा, और एक भी कैंप खाली नहीं है, अदरवाइज मैं ज़रूर रुकता, बट अफसोस मुझे जाना पड़ेगा। सो गाइज अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को जितना आपको इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया। सो बिकॉज स्कूल कैंपिंग है तो ज़्यादा देर में रुक नहीं सकता था, परमिशन लेके बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ और आपके लिए ये ब्लॉग ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा रहा, और थैंक यू। हम थक चुके हैं बहुत गंदे तरीके से सभी, एक्चुअली सबकी हालत देखो टाइट है, देखो इसको देखो इसकी हालत बेचारी, करिए कहीं कुछ खिला लाओ बस, कैसे भी कहीं से भी पानी नहीं मिला है। एक्चुअली पानी पी लिया, पानी पी के ना कुछ नहीं हो रहा, अभी खाना चाहिए। तो वापस हम लोग अपनी वैन में बैठ रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होगा, अरे नहीं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा ना, ठंडी स्टार्ट लगने लगेगी, मतलब ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे अभी देखो ना तुम कितना बज रहा है, अभी 4:30 बजे के बाद स्टार्ट है, हाँ वही 5 बजे आसपास। चलो सबने अपने अपनी सीट ले लिए, कौन किसको कहाँ बैठना है, और ये देखो ये अंदर देखो ये लेट गए, ऐसे लग रहा है बेड पे आ गए हैं ये लोग, सावट हो गई है। सो चलो चलते हैं, मैं ही बैठता हूँ अभी, चलते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है ना, तो डेट्स वाई कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं अभी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी ने बहुत कुछ घूमा भी नहीं है, मैं चाह रहा था वो घूमे, बट सीरियसली वो घूमे, उसका घूमना बनता था बट वो नहीं घूम रही है, क्या करें अभी कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, छोटी सी वैन हमारी, और आगे भी शायद निकलेंगे, फिर कुछ ना कुछ कहेंगे, तो खिचड़ी के बात कर रहे हैं लोग बीमार लोग। चलो लेट्स मूव। सो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, बाय बाय, इस जगह से वापस जा रहे हैं, अब हम आ जाएंगे क्या पत्नीटॉप? यस यस। और क्या करेंगे? सी राइडिंग। सो हम चल रहे हैं वापस, बाय बाय। गाइस अभी हम लोग वहाँ से निकल गए थे, रास्ते में एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट मिला है जी, यहाँ पे इतना सुंदर है ये नज़ारा ना खुद से, ये देखिए एंड इतना प्यारा लग रहा है, मतलब सुकून की ज़िंदगी आप यहाँ बिता सकते हो, अगर आप नेचर लवर होगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगेगा और लग रहा भी होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, सो ये आज का हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, और हम निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से, थोड़ी देर में निकलते हैं, और मैं बैठा हूँ अपनी बालकनी में, यहाँ से जो व्यू है ये बहुत, और इति क्या बोलना चाहोगे तुम? हाँ ये बहुत जल गया है इसको, और ये नींद से भी निकली नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, कह रही है मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, और टैनिंग भी हो गई है, जलन भी कर रही है शायद ना, जलन को जस्ट दिखे एग्जैक्टली, क्योंकि हम बहुत घूमे हैं धूप में और सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई हैं यहाँ से। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये सफ़र, ये टूर, ये व्लॉग। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना इसको, जो सारे इस सफ़र को देख सकें, एंड सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।